नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट्स न्यूज चैनल। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक क्षेत्रीय प्रमुख कृषि विभाग रत्नाकर बैंक लिमिटेड अहमदाबाद और वसूली प्रमुख रत्नाकर बैंक लिमिटेड पुणे को 30 लाख रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ मांगने के आरोप में आरोपित के खिलाफ शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे ये भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बागवानी योजना के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास के तहत कृषि सावधि ऋण के लिए आवेदन किया, जिसमें सरकार सीमित प्रत्येक परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत ₹56 लाख तक का 50% की दर से सब्सिडी देती है। सब्सिडी की अनुपलब्धता के कारण शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के सभी कृषि सावधि ऋण NPA हो गए और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए एक मूल्यांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। ये भी आरोप लगाया गया था कि बातचीत पर रिश्वत को 30 लाख रुपए में तय किया गया था। CBI ने जाल बिछाया और क्षेत्रीय प्रमुख रत्नाकर बैंक लिमिटेड अहमदाबाद को 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में पकड़ा। बाद में रिकवरी हेड रत्नाकर बैंक लिमिटेड पुणे को भी पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली सहित 5 स्थानों पर तलाशी ली गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बरेली से मोहम्मद शिराज खान की रिपोर्ट।